क्रिया पूरी करने के तुरंत बाद मुझे अपनी सांस की नली में ठंडक महसूस हुई। हमारी इम्यूनिटी में भी सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि मानसिक तनाव कम हो जाता है। सिम क्रिया सदगुरु द्वारा भेंट किया गया 3 मिनट का सांसों से जुड़ा योग अभ्यास है, जिसे विशेष रूप से कोरोना की स्थिति की वजह से डिजाइन किया गया है। सिम क्रिया के अभ्यास से हम खुद को तैयार रख सकते हैं और ऑक्सीजन का स्तर और बीमारी से लड़ने की ताकत भी बढ़ा सकते हैं। सिम्ह क्रिया बीमारी से लड़ने की ताकत और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने वाला एक फ्री ऑनलाइन योगा अभ्यास है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक टीम द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि यह संक्रमणों से लड़ने और मानसिक तनाव को कम करने की आपकी क्षमता सुधार सकता है। अब सद्गुरु आपको अभ्यास के बारे में बताएंगे। कृपया वीडियो देखते समय अभ्यास करने की कोशिश न करें। पहले निर्देशों को पूरी तरह सुने और फिर ये अभ्यास खुद से करें। तो किया ये जा रहा है कि आपको पालथी लगाकर बैठना होगा। आप जिस भी तरह से बैठ सकें, आपका शरीर जिसकी भी अनुमति दे, और फिर दोनों बाहों का उपयोग करके इसे इस तरह से ऊपर उठाइए कि आपका पंजर डायफ्राम के हिस्से से ऊपर उठ जाता है। इसमें ये शामिल है कि आपको अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर स्ट्रेच करना है, अपने मुंह को पूरी तरह से खुला रखते हुए, और फिर जितनी ताकत के साथ हो सके सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, पेट को झटका दिए बिना, लेकिन ताकत के साथ अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, सांस अंदर भी और बाहर भी 21 बार। और जब ये हो जाए, आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर घुमा लें, इसे उतना पीछे ले जाएं जितना आप ले जा सके, और अपना मुंह खुला रखते हुए फिर से उसी तरह सांस लीजिए, सांस अंदर सांस बाहर जितनी हो सके उतनी ताकत से, लेकिन अपने गले में दबाव पैदा करके आपको इस तरह से आवाज निकालनी होगी। ये महत्वपूर्ण है कि आप गले में अपने गले के गड्ढे में दबाव पैदा करें और आवाज निकालें, और सांस अंदर सांस बाहर पूरी तरह से, सांस बाहर पूरी तरह से, सांस अंदर जितना हो सके उतनी ताकत के साथ, लेकिन पेट को झटका दिए बिना 21 बार, और जीभ को ऊपर घुमाकर। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं। आप पूरी सांस लीजिए और सांस को रोककर बस यूं ही बैठिए 1 मिनट के लिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप 30 सेकंड के लिए वहां रुकिए। ये एक सरल सा अभ्यास है, और सबसे बढ़कर अगर आप इसे आज कर पाते हैं और अचानक एक दिन आप इसे नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सांस से संबंधित कोई समस्या हो गई है। शायद वो ये वाला वायरस ना हो, लेकिन वो कुछ और हो सकता है। वो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी जांच करानी चाहिए। सिम्ह क्रिया खाना खाने के कम से कम 2.5 घंटे बाद की जानी चाहिए। 6 से 70 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी व्यक्ति सिम्ह क्रिया कर सकता है। 6 साल से कम या 70 साल से अधिक उम्र के लोग और ब्रेन ट्यूमर या हैमरेज से परेशान लोग भी ये अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल 12 बार सांस लेनी चाहिए, 21 बार नहीं। बाकी सभी को ठीक 21 बार सांस लेनी चाहिए। बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए कई दूसरे अभ्यास ऑनलाइन सीखें।